वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट करा उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस प्लीज ऐसे मुझे आगे भी हर वीडियो में प्यार और सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसी और नई अच्छी अच्छी वीडियो ला के अपलोड करूँ। तो गाइस आज की हमारी जो वीडियो है वो है बाइसेप्स के ऊपर, की घर पर ही रहकर अपने बाइसेप्स का साइज कैसे ग्रोथ करें। तो गाइस आपको एक चीज बता दूँ की बाइसेप्स को परफॉर्म करने के लिए हमें ट्राइसेप्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। पर इस वीडियो में मैं आपको ट्राइसेप्स की नहीं बाइसेप्स की एक्सरसाइज बताऊंगा, ट्राइसेप्स की मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो बाइसेप्स की आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगा ऐसे पांच, जिसके जरिए आप अपने घर पर ही बाइसेप्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाओगे और बहुत अच्छे पंप होगा। तो चलते अपने एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी जो पहली जो एक्सरसाइज के लिए आपको लो ब्रेक दे हैं, देने के बाद आप देख सकते हो बहुत लाइट वेट है, तो आपको बहुत स्लो में रेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो आप अपनी पोजिशन पर आ जाइए, आने के बाद थोड़ा बैंक होना आपको और अपने हाथ पीछे करके फिर ये चीज आप थोड़ा बैंड होके पीछे करिए, स्लो में रख लगे। इससे आप देख सकते हो कि आपके बाइसेप एक से बहुत अच्छा असर पड़ेगा इससे, और साथ में क्या आपके मसल जितने भी हैं वो इससे बाइसेप मसल बहुत हिट होंगे। तो गाइस आपको ये चीज करनी है, सेकंड चीज बता दूं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, तो गाइस सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसे बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने कोहनी को अपने नी के ऊपर रख के इससे ये चीज करिए, जिससे आपके अंदर वाले पार्ट पर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा भाई साहब के। और जितना हो सके इसे स्लो में रेस्ट लगाइए। आप देख सकते हो कि इस एक्सरसाइज से मेरे बाइसेप्स पे कितना अच्छा काम हो रहा है, खासकर अंदर वाले पार्ट पे। तो ये थी सेकंड एक्सरसाइज, चलते हैं तीसरे एक्सरसाइज। तो भाई तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जितने भी ले सकते हो, दो तीन वो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। मैं दो लूंगा, दो दिन लेने के बाद बॉडी स्ट्रेट, हैंड ऐसे रखना है, आपकी एल्बो मूव नहीं करनी चाहिए, एल्बो और आपके शोल्डर ये आपको लॉक कर देना है, और उसके बाद ये चीज। और जितना हो सके उतना स्लो में रेस्ट करिए, क्योंकि लाइट वेट आप स्लो में करोगे तो बहुत अच्छा हिट पड़ता है मसल के ऊपर। ये तीसरे एक्सरसाइज, चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। जो है जो हमारे जो फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो आर्म लोड कर ले, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। एक सिंगल हैंड में ब्रेक लीजिए, लेने के बाद थोड़ा बैंड होना आपको, बैंड होके आपको अपने जो ये है अपने नी पे नहीं लगाने, ऐसे कि ये चीज होता है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा, थोड़ा आगे होके ये चीज करना आपको। इससे क्या पूरा माइंड मसल कनेक्शन जो है आपका पूरा बाइसेप पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप किसी चीज के सपोर्ट नहीं ले रहे हो। ये चीज आपको दूसरे साइड से भी करनी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा पंप हुआ बाइसेप पे। अब चलते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस जो हमारी जो फिफ्थ जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चारों के बीच, क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज है एंड में रखी है, क्योंकि आप एंड में करना, इसमें क्या आपको होल्ड करना कुछ नहीं करना। कुछ लोग कहेंगे होल्ड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई जब आप अपने बाइसेप को अच्छे से ट्रेन कर लोगे, ट्रेन करने के बाद जब होल्ड करोगे ना बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जितनी हो सके तीन या जितने भी ब्रेक लेके यहाँ पे लाके होल्ड कर लेना ये चीज। और जितना हो सके आप एक अपने टाइमर लगाए मोबाइल में और देखते रहना कि कितने देर तक आप होल्ड कर रहे हो इस चीज को। Yeah.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. तो गाइस इससे क्या आपके बाइसेप मसल पे सीधा टारगेट होगा और आपके बाइसेप मसल ओके ट्रेन होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ये। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो भी न्यू लोग जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जाके प्लीज रेड बटन दिख रहा होगा गाइस, जाके लाल बटन दबा दो ताकि मैं ऐसे आपके लिए और न्यू वीडियो बनाता रहूं। तो गाइस हमारे 1K सब्सक्राइबर बहुत करीब है इस यूट्यूब चैनल पे, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइबर पूरे करो ताकि मैं और न्यू वीडियोस लाके लाता रहूं ऐसे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, और साथ में जो भी मेरे जो भी कोई क्वारी या कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड, ये इंस्टा आई डी खोलिए, इंस्टा पे जाके पूछ सकते हो, जो मैं पहुंच डालू पोस्ट के नीचे मेरे कमेंट करके पूछ ले गाइस, मैं बता दूंगा। तो लव यू ऑल।